ओ भैया ये क्या चीज है, तो पूरा ही ऐसा है, कहाँ जाए ये क्या है भाई, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाऊं। ओहो फंस गया ना भाई, बहुत गहरा पानी है, कैसे जाऊं, पूरा पूरा ही ऐसा है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे रुका था, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी कर रहा था। अरे यार यहाँ पे ना बारिश आना शुरू हो गई हुई है भाई, भाई 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 भाई, उदिक उफ 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 ओ माँ की कसम, बड़ा गहरा है यार, ये देखो बूट गिल्ला हो गया, पूरा पूरा शूज गिल्ला हो गया। लो जी इस रास्ते से स्वागत, स्लिप बजना शुरू, एडवेंचर शुरू। ओ देखो जी कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, यहाँ पे ना 1 किलोमीटर आधा घंटे में कंप्लीट होता है, 1 किलोमीटर आधा घंटा लग जाता है उसको ऑलमोस्ट पूरा। ये चलो जाने दो, हे गाइस कम ऑन ट्रेवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। हे दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होने चाहिए। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम। दोस्तों आज है 8 जून 2024 और इस समय मैं मौजूद हूँ बिंदल माता के दरबार। आप मेरे पीछे माता रानी का बहुत प्यारा सा दरबार देख सकते हैं और आज का मेरा सफर रहने वाला है बिंदल टू लाहौल। लाहौल यहाँ से कोई 80 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत ही सुंदर इलाका है। बाकी थोड़ी देर में निकलूंगा, अभी मैं सबसे पहले मंदिर माथा टेकने जाऊंगा तो उसके बाद आपको मिलूंगा। तो अभी बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं अभी हम। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज रहा है और मैं यहाँ पे मिंदल भी हूँ अभी मैं, और मैंने अपना पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। एक्चुअली इसमें मैंने कपड़े डाल के उस बैग में डाल दिए हैं, इसमें थोड़े ही हैं बट क्योंकि ये तो ईजिली साइड पर बंद हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि इसकी जगह प्रॉपर है, तो इसलिए चलो चलते हैं आज का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों भी मैं आ रहा था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान था, आधा मैंने कंप्लीट किया, वो थोड़ा सा है ना ऊपर यहाँ तक पहुँचा मैं, तो ये ना 2 भाई जा रहे हैं, इन्होंने मेरा सामान पकड़ लिया यार। देखो यहाँ पे ऐसे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि भाई सपोर्ट कर देते हैं आपको थोड़ा बहुत, है ना। देखो अभी मैं ग्लेशियर पर चढ़ रहा हूँ, अभी थोड़े दिन जिस दिन मैं आया था ना उससे 2-3 दिन पहले ना यहाँ पे कोई तेंदुआ पड़ा हुआ था। हाँ तो ये देखो यहाँ पे इस साल बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे, ये देख लो वो भाई नीचे जा रहे हैं जिन्होंने मेरा सामान लिया। यहाँ पे फाइनली हमारा ग्लेशियर हुआ ख़त्म और ये देखो भाई बहुत बड़ा ग्लेशियर है। अभी अच्छा हुआ ये बंदे मिल गए, इन्होंने मेरा सामान पकड़ लिया, तो चलो अब आगे का स्टार्ट करते हैं कारवा। यहाँ पे लगी है बाइक और सामान उतारते हैं। ओके ये देखो ये इन भाइयों ने बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, और ये वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, आपने हेल्प कर दी। चलो सामान बांधे। अभी मैं ना काफ़ी लेट हो गया, अभी समय समय हो रहा है, 2 बज रहे हैं दोपहर के, और अभी ना शगुन भैया और भी आए हैं अभी, तो ऐसे मेरे को पता नहीं था, अगर मेरे को पता होता तो मैं रुकता, तो कोई बात नहीं अभी निकल गया क्योंकि मैंने फिर सारा सामान बांध दिया ना फिर गाड़ी पे, बाइक पे, अब मैं अभी गाड़ी बोल रहा हूँ। तो बस वही है, अब निकले हैं। अब लो जी मैंने अभी माता रानी से अभी लेके निकला हूँ और यार देखो यहाँ पे ना बारिश भी शुरू हो गई हुई है। चलो कोई नहीं, अब निकल गए हैं तो यार निकलते हैं अब आगे ही, क्योंकि अब ऐसे मैं सुबह का देख रहा था बारिश आ रही थी ना पहले भी, उसके बाद बंद हो गई, हल्की सी हुई थी सुबह। लो जी अभी पहुँचे यहाँ पे और यार ग्लव्स डाल देता हूँ।
क्योंकि यार हाथ में दर्द होती है यार। अच्छा ये देखो, यहाँ से अपन नीचे गए थे ना, और अपन यहाँ से आज निकलेंगे आगे। चलो देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, ग्लव्स डाल लें। बारिश भी है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बस भगवान से प्रार्थना ही है फिर बारिश बंद हो जाए। चलो चले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। लो जी इस रास्ते से स्वागत, स्लिप बजना शुरू, एडवेंचर शुरू। और मुझे तो लग रहा है ये पूरा रास्ता इस तरह का ही रहने वाला है, बट कोई बात नहीं, चलते हैं आराम आराम से। दोस्तों अभी थोड़ी सी आगे आया हूँ मैं, और ये हमें देखो ट्रक आ रहा है, तो ट्रक को क्रॉस करना है इसलिए मैं रोका हूँ। और ये देखिए इस साइड रास्ता, पीछे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी देर से इस तरह का भी रास्ता चल रहा है। पीछे तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रास्ता है, और इसमें भी, इस रास्ते में भी काफ़ी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है। गाड़ी 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 आती, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। यहाँ पे उधर से ही एडवेंचर वाला रोड शुरू, क्योंकि यहाँ पे तो कोई यात्री भी नहीं है ये तो पूरा एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है पूरी ये तो। दोस्तों ऐसी वाटर क्रॉसिंग ने हमारे स्वागत किया है, गहरा गहरा गहरा, सच में गहरा। देखो बट ये चीज है जो अपन जैसे राइडर्स रहते हैं ना, प्रॉपरली जो राइडर होते हैं उनको सभी अच्छा बिहेव करते हैं और अच्छे तरह बुलाते हैं उनको। तो देखो भैया जंगल ने भी हमारा स्वागत कर लिया है। ओए 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 ओए, जंगल आ गया बाबूजी, जंगल आ गया। चलो 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 चलो, ओके। क्या बात है, जंगल के बीच में ये देखो इन बंदों ने लगाए हुए हैं टेंट, काम वाले हैं। हाँ देखो इस तरह की लोकेशन ठीक रहती है, अगर कैंपिंग भी करनी हो ना प्रॉपरली बंदा सेफ रहता है। ओके दोस्तों देखिए ये हिमाचल का रास्ता, जो हमारा किश्तवाड़ टू किलाड़ वाला पुराना रोड था वो भी भैया ऐसा था, कुछ इस तरह का था, उसमें भी ऐसे वाटरफॉल वाटर क्रॉसिंग रहती थी पूरी, और मतलब इस तरह का ही था। ये देखो यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो वॉशिंग कर रहे हैं, ऊपर से पानी आ रहा है ना, मतलब पूरा इस तरह का ही रोड था जो हमारा ये जो था ना पीछे वाला। ये देखो ओ मैं कहाँ से जाऊँ, देखो और जय महाकाल
और जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे ना, उन बंदों को ना शेयर करना जो राइडर हैं हमारे, जो मतलब जिनको घूमने का शौक है, अगर जाना चाहते हैं तो शेयर करना आप उनके साथ, तो अपन डेफिनेटली चलेंगे साथ में। मैं उस साइड इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि टायर स्लिप भी मार सकता है, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। मतलब इस अपना जो किलार वाला रोड था ना, वो इस तरह का ही था यार, जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो था। अब वो रोड तो खैर बंद हो गया हुआ है, पर था इसी तरह का। उधर गहरा है, उधर थोड़ा पानी ज़्यादा है ना, इसलिए इस साइड से जाना पड़ेगा। बहुत बहुत ध्यान से चलना पड़ता है भैया यहाँ पे। वो चलना भी चल रहा हूँ मैं काफ़ी ध्यान से, बट लो जी दोस्तों, अभी पहली वाटर क्रॉसिंग आई है। पहली नहीं, पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता। ये चलो जाने दो। ये काफ़ी बड़ी थी। तो भी मैं जा रहा था इस इधर से आगे ट्रक, तो इसलिए अब मुझे मैं वापस मुड़ के आया। मैं रोड सिंगल है ना। रोड भी सिंगल है ना, मैं यहाँ फंस गया हुआ था। अरे यार मेरा उस समय मैं कैमरा ही रिकॉर्ड नहीं करता था अपना, एक्चुअली ऑन नहीं, जगदम हो जाता है ना कुछ, जैसे कि कोई गाड़ी आई या कुछ, उस टाइम कैमरा ही ऑन लेट होता है। देखो दोस्तों कितनी शानदार वाटर क्रॉसिंग आई है यार। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है यहाँ पे। इसलिए मुझे हिमाचल के रास्ते में ना ये सब बहुत पसंद है। ये देखो, पर है भी पानी ज़्यादा है इस साइड, ज़्यादा है इस साइड, थोड़ा कम है। चलो दोस्तों भी चलें, ठीक है ना, ओके है ना। चलो निकलते हैं यार अब, क्योंकि ऐसे ना लेट हो जाएंगे। बस अच्छे से ना भाई 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 भाई, भाई उधर, उफ उफ उफ, ओ माँ की कसम, बड़ा गहरा है यार। ये देखो बूट गिल्ला हो गया, पूरा पूरा शूज़ गिल्ला हो गया। धुआं देखो पीछे कैसे निकल रहा है, बड़ा गहरा है यार। हो भैया, मुझे उम्मीद है आप सभी घर पे बैठ के आराम से देख रहे होंगे, बट दोस्तों ये देखो वाटर क्रॉसिंग है। और ये देखो है ना उधर, है ना उधर पानी, पानी ज़्यादा। अच्छा मैं यहाँ भी रुका, अभी मैंने ना फोटोग्राफी की है थोड़ी, बट काफ़ी सुंदर नज़ारा है यार। तो चलो चलते हैं अभी आगे, आगे अभी काफ़ी दूर जाना है। अभी समय कितना हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं अभी, तो चलो यार चलते हैं अभी। बाइक देखो भाई, बाइक के साथ भी फ़ोटो खींचनी है एक। अभी उदयपुर है 51, काफ़ी दूर है भाई अभी। अच्छा टंडे उदयपुर, मतलब अभी मैंने जहाँ पे जाना है ना, तो वो 51 किलोमीटर है, दूर है, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। और अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ी पक्की रोड भी आ गई। दोस्तों आ गया वाटरफॉल, जो मैं जिसका काफ़ी देर से मैं वेट कर रहा था, ये वाला वाटरफॉल है, बहुत बढ़िया। अरे 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 क्या बात है, क्या बात है। एक दो फोटो तो बनती है भाई यहाँ पे, देखो। हे भोले बाबा, हे माता रानी।
दोस्तों अभी मैं यहाँ पे रुका था, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी फोटोग्राफी कर रहा था। अरे यार यहाँ पे ना बारिश आना शुरू हो गई हुई है, पर कोई बात नहीं, अभी मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो चलूंगा। पहाड़ों में ऐसा क्या होता है कि कहीं पे बारिश होती है और कहीं पे बारिश नहीं होती। तो आप मेरे पीछे देखिए इतना सुंदर नजारा है। ये अगला वाला वाटरफॉल है, ब्रिज है, वाटर क्रॉसिंग नहीं है। अगर वाटर क्रॉसिंग होती ना तो खतरनाक थी ये, पर नहीं। चलो चलते हैं अब आगे, काफी समय हो गया, बारिश आना शुरू हो गई यहाँ पे। और ये दोस्तों अभी वाटर क्रॉसिंग करके अभी फिर आगे पहुँचा हूँ, तो देखो यहाँ पे फिर सिंगल रोड शुरू हो गया। आप सोचो कि यहाँ पे बंदे ने अगर 200-300 किलोमीटर कवर करना होगा वो कैसे करेगा, मतलब 300 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने इधर, मतलब अगर 200 किलोमीटर भी बोल रहा हूँ तो वो कैसे करेगा कोई। रास्ता ही सारा ऐसा यार, थोड़ा जगह प्लेन आ रहा है फिर ऐसा आ रहा है, थोड़ा प्लेन आ रहा है फिर ऐसा आ रहा है। दोस्तों देखो एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई है, बट मॉनसून में तो भाई इधर तो बुरी हालत होती होगी, क्योंकि देखो किस तरह के रास्ते हैं, और मॉनसून में तो पूरी बाढ़ ही आती होगी। छोटा है ना, ठीक है। डर लगता है भैया, डर लगता है अब, क्योंकि बाइक आपकी हो ना बड़ी वाली हिमालयन, वो ना रुकती नहीं है, या BMW होगी ना बाइक। ये देखो पूरा रोड देखो कितना खतरनाक है, क्या बात है क्या बात है। देखो हमारी ये बाइक भी कम थोड़ी किसी से। ये भी कम थोड़ी है दोस्तों, ये कितना शानदार मोड है। देखो रोड देखो, सबसे पहले इतनी छोटी सी रोड है। अब अपने जो किलार वाली रोड जो थी ना वो भी इस तरह की थी, बिल्कुल छोटी सी। हाँ बाय गॉड, बिल्कुल सेम टू सेम। और बट वो ना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, वो कुछ इस तरह का ही था। ओ देख 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 देख, वाओ 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 वाओ। यहाँ पे पड़ी है ग्लेशियर और अपन फोटो खींचेगी यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे अभी फोटोज खींचिए, देखो कितना शानदार है ये वाटरफॉल। और यहाँ पे देखो जी यहाँ फंस गई गाड़ी, और भाई यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो भाई क्या चीज़ है। यहाँ पे इस बार तो इस रास्ते में तो बहुत ही ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे, इसलिए मुझे ये वाला एरिया बहुत पसंद आया। देखो कितना साफ पानी है, ओके यहाँ से भी देखोगे, देखो वाह। देखिए कितने ज़्यादा वाटरफॉल आ गए यहाँ पे दो। और अभी आगे का जो है ना वो मुझे पता नहीं, मैं कहाँ जाना है, मनाली वाली साइड से या कहाँ से जाना, कुछ पता नहीं। करते हैं प्लान फिर चलेंगे, फिर कोई प्लान नहीं है अभी वैसे तो। दोस्तों वो सामने जो पहाड़ है ना, वो पूरा पहाड़ बर्फ़ से भरा हुआ है भाई, पूरा पहाड़। वाओ आगे और नज़ारे अभी आएंगे, अभी आगे चलते जाइए।
पक्का रास्ता फिर से आ गया। देखो दोस्तों एक और वाटरफॉल आया और वाटर क्रॉसिंग है। देखो कितना शानदार व्यू है, वाओ वाओ। ये क्या है? ओह भैया ये क्या चीज है, तो पूरा ही ऐसा है। कहाँ जाए, ये क्या है भाई? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाऊं। ओहो फंस गया ना भाई, बहुत गहरा पानी है, कैसे जाऊं? पूरा पूरा ही ऐसा है। ओ देख लो देख लो, अरे ओम ये भाई 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 भाई, पूरे शूज गिले भाई, अरे ओम, दोनों शूज गिले हो गए हैं। और पानी काफी गहरा है। ओहो भाई पूरे शूज गिले हो गए। अरे ओम क्या करूँ अब, अभी रुकेंगे आगे यार, आगे रुक के फिर सुखाऊंगा शूज, पूरा शूज गीला, पूरे शूजों में पानी हो गया है। दोस्तों ये छोटी सी जगह आई है, पता नहीं है जगह का क्या नाम है, पर यहाँ पे बैठ के ना कुछ खाते हैं भाई। पहले ना मोमो मिलते थे काफ़ी अच्छे, मोमो खाएंगे भाई। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे शूज में कितना पानी है, आए होए सच में मैं बताऊंगा अभी आपको। मोमो है? अरे इतनी दूर से मैं आपके साथ आपके मोमो खाने आया मैं। दोस्तों मैं अभी इधर आया हूँ, पहले भी इधर पहुँच गया हूँ, इधर मैंने मोमो चार मोमो बचे हैं। अभी मैं शूज बोलूँगा आपको भी दिखूंगा पानी। पहले ये देखो भाई का, देखो ये रहे अपने शूज। ये देख पूरे शूज गिले हैं, थोड़ा देख ये देखो कहाँ गया, सूख गया, पर पूरे सॉक्स गिर लिए, दोनों सॉक्स गिर लिए भाई। अब यहाँ पे डालने पड़े कि चप्पल। दोस्तों ऐसा है शूज पूरे गिले हो गए हैं, शुक्र है मैं चप्पल लेके आया हूँ साथ में। अच्छा मैं ना इधर जा पहुँचा हूँ, यहाँ पे खा रहा हूँ मोमो, जो अपने बहू प्लाजा में मोमो मिलते हैं ना, सबसे बेस्ट वाले मोमो, वो टेस्ट है। मतलब यहाँ पे हमने पहले खाया इसलिए मैं रुका था, सबसे पूरा वही टेस्ट है। पर जहाँ मैंने अभी जाना है वो 25 किलोमीटर दूर है, अभी शूज़ गिले हैं पूरे, अब चप्पल डालनी पड़ेगी, ठंड काफ़ी है यहाँ पे। तो अभी चाय भी ऑर्डर की है, चाय भी पियेंगे अभी फिर। तो दोस्तों मैंने ना यहाँ से पी चाय, वो मतलब मोमो खाए, चाय पी, सूप पिया, काफ़ी कुछ पिया और काफ़ी बढ़िया था। और इधर से व्यू देखो, बहुत सुंदर व्यू है। और देखो मैंने डाली चप्पल, देखा चप्पल लाने का फ़ायदा, चप्पल लाने, मैं कह रहा हूँ शूज़ पूरे गिले हैं, पूरे गिले हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिफाफे में रख दिए हैं, अब मेरे को रास्ते में पैर में ठंड लगेगी, बट कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी यहाँ पे मुझे पहुँचना थोड़ा सा आगे, तो उसके बाद फिर सुबह धूप आ जाए, बस भगवान करे धूप आ जाए, तो क्या शूज़ सुखाएंगे तो फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। यार देखो क्या है, कहाँ तक पहुँचेंगे अभी वो भी नहीं पता। तो चलिए ठीक है निकलता हूँ मैं अभी यहाँ से। दोस्तों ये रास्ता ख़त्म होने को नहीं आ रहा, और ये पूरा कच्चा रोड है भाई, पूरा कच्चा रोड है, बाइक चल ही नहीं रही है इस पर। और इस साइड देखो कितना ख़तरनाक नज़ारा है,
एक मिनट दिखाऊं मैं, देखोगे? लो जी देखो, कब से ऐसा ही रोड चल रहा है, काफ़ी देर से ना ऐसा ही रोड चल रहा है, बहुत देर हो गई भाई। अब अबे ये क्या है, वाटर क्रॉसिंग, ये मसला क्या है ये? ओबे ये मसला क्या है यार, चलो जाना तो है भाई। उफ उफ, ओ भाई भाई भैया, अच्छा है चप्पल डाली है, अच्छा चप्पल डाली है सच में, फिर से ना शूज़ गीले हो जाने थे यार, इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग, इतनी ज़्यादा, उफ ओ भाई, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो रहा है। अभी और तो नहीं है अच्छा जब उसके बाद ना, जब पानी पीछे ना कितना ज़्यादा शूज़ के अंदर पानी घुस गया था, ठंड लग रही थी, अभी चप्पल से ये तो है ना कि थोड़ा बहुत रिलैक्स है, ठंड लग रही है पैरों में थोड़ी थोड़ी, अभी जैसे सूखेंगे ना पैर तो फिर ओके हो जाएगा। देखिए जी पूरा रास्ता ऐसा ही पूरा रास्ता। लो जी तो भाई देखो एडिटिंग कहाँ चल रही है, इस इलाके में एडिटिंग चल रही है यार, वो ना थोड़ी सी शॉर्ट बना रहा था मैं, थोड़ा सा शॉर्ट, चलो साथ साथ में ये भी चल रहा है काम, चलो चले अब। ओ देखो जी कितना खूबसूरत नज़ारा भाई, यहाँ पे ना 1 किलोमीटर आधा घंटे में कंप्लीट होता है, 1 किलोमीटर आधा घंटा लग जाता है उसको ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करने में भाई साहब। शड़ी वाटर क्रॉसिंग ये दिखने में तो बहुत आसान दिखती हैं ये तो, मतलब ऐसे क्योंकि कल क्लियर जो वाटर है ना ये वो है, इधर दिखती बिल्कुल वो है, अभी जो मैंने ये क्रॉस की ये भी कह रही थी दिखती तो बड़ी वो है। अरे यार बहुत सुंदर, उसके पीछे देखो सही बर्फीले पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं यहाँ से ना। जय महादेव जय महादेव जय महादेव। लो जी फाइनली अपना लाहौल स्पीति में अपना स्वागत हो गया है, जो आज का ये रहेगा मेरा उदयपुर, 7 किलोमीटर है यहाँ से, तो आज का जो स्टॉप रहेगा वो मेरा ये उदयपुर ही रहेगा। और इस साइड देख रहे होंगे ये क्या लटक रहा है, ये भाई मेरी सॉक्स है शूज़ तो बहुत ज़्यादा गीले हैं और सॉक्स भी गीली थी, सॉक्स में अभी ऐसे सूख जाएगी क्योंकि रात को भाई वहाँ पे बहुत ठंड है। आप देखिए सामने ना बर्फ़ पड़ी हुई है और मेरे पैर सच में ना अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ठंडी हवा चल रही है। वाह, एक और सुंदर सा वाटरफॉल। मज़ा तब आता है जब आप एक्सप्लोर करो ना चीज़ें, फिर मज़ा आता है रुक के।
दोस्तों देखिए कितने शानदार नज़ारे हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है दोस्तों। ये देखिए व्यू यहाँ का, अभी हवा बंद है ना, इस वजह से यहाँ ये उड़ नहीं रहे हैं, वरना ये उड़ते हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने ना लाहौल को कह दिया है उदयपुर को, ये सामने वाला जो एरिया देख रहे हैं ना, ये है उदयपुर, और इसको भी मैंने बाय बाय बोल दिया है, और अभी अपन आगे चलेंगे। दोस्तों इस समय हो रहा है भैया 7:05, और भाई मैं कहाँ आ गया हूँ यार, ये देखो बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत मजे आ रहे हैं यार, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड है यार यहाँ पे। दोस्तों जिस पुल को मैं काफी देर से ढूंढ रहा था और अभी वो मुझे मिल गया है, और ये रहा वो पुल, क्या बात है, इतना सुंदर, वो हो, काफी ठंड है भाई, यहाँ पे फोटो खिंचाना तो बनता है। दोस्तों फाइनली अपन पहुंच चुके हैं लाहौल में, और जहाँ पे मैं पहुंचा हूँ इस जगह का नाम है, सामने ये है मंदिर, ये है त्रिलोकीनाथ, बाबा त्रिलोकीनाथ जी का महादेव, महादेव। सबसे पहले कुछ खाने का देखना है, और उसके बाद बाकी सिस्टम देखेंगे हम, खाना खाना है, खाना नहीं खाना मतलब कुछ। देखो यहाँ पे ना ये भी है, ग्राउंड भी है कैंपिंग के लिए, बट वहाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच गया हुआ था काफ़ी देर से, और मैं यहाँ पे जगह ढूंढ रहा था कहाँ पे कैंपिंग के लिए, क्योंकि सामान वगैरह मेरे पास है, कोई इशू नहीं है, और मैंने ढूंढ लिया काफ़ी, यहाँ पे भी है उधर भी है, अब देखता हूँ कहाँ पे करता हूँ। तो ठीक है, एनीवेज मैं हूँ इस समय लाहौल में, पढ़ते हैं एक मंदिर है त्रिलोकीनाथ, ठीक है, वहाँ पर हूँ मैं इस समय, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या माहौल है यहाँ का। और मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे बहुत बर्फ़ है, और अभी मैं कैंपिंग का सोच रहा था, मैं सोचा था उधर उस साइड कर लूँ, बट यार हर तरफ बर्फ़ है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं सच में बहुत ठहर रहा हूँ। और मैंने सोचा, डिसाइड ये किया कि मैं टेंट यहीं पर लगाऊँगा, ये जो जगह पड़ी हुई है, क्योंकि यार वो बार बार शेड्स में गिर रही है यार, अच्छा ठंड बहुत पड़ रही है यहाँ पे, मैंने डिसाइड किया भाई मैं यहाँ पे कैंप लगाऊंगा अपना। तो चलो सामान उतारते हैं अभी, और अपना लाओ जी सभी नोट्स खोलनी पड़ेंगी, और यार मेरा ना एक ग्लव्स है ना वो यार गिर गया यार, मुझे मैं उस समय रुका भी था वहाँ पर फिर भी मुझे वहाँ पता नहीं चला, तो चलो कोई नहीं। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे सारा सामान खोल दिया, और ये देखो मैंने बाइक के पीछे टांगा हुआ था ना, ये देखो कितना गंदा हो गया यार ये। एनीवेज यार शुरू करते हैं यार, अब यहाँ पे टेंट लगाना शुरू करते हैं, और इधर लगा लेते हैं बीच में, यहाँ पे लगाता हूँ भाई, बहुत ठंड है यहाँ पे, पहले सेटअप करता हूँ फिर मैं।
अभी फाइनली यहाँ पे लग गया अपना टेंट और अपने इसको खोल के ना सेट कर देते हैं सामान सुमान। सामान फोन सेट कर देते हैं फिर बैठो। यार यहाँ पे देखो काले काले बादल आ गए हुए हैं बहुत ठंड पड़ने वाली है भाई। रेडी तो हूँ मैं वैसे पर देखो डर भी लग रहा है यार सच में। पूरे बादल आ गए हैं अभी। चलो अभी ये डालूँ पहले मैं इसको। ये देखो गंदा हो गया है ना नीचे से, इसको साफ कर देते हैं। मैट भी डाल दिया, अब ले आता हूँ स्लीपिंग बैग, सामान बंद रख देता हूँ। अब कुछ खाने के लिए जो भी है ना वो सामान ले आता हूँ। अब सामान इसमें डाल दिया सारा। ठंड बहुत पड़ रही है भाई, अभी सोच रहे होंगे क्या चक्कर है इसका, आज ठंड ठंड ही करी जा रहा है। ठंड है पर यार तो मैंने टेंट लगा लिया और अभी मैं खाने का भी जुगाड़ है यहाँ पे पूरा बहुत बढ़िया वाला, पर मैं अभी चीनी चाय का सामान ढूंढने जा रहा हूँ। यहाँ पे है मंदिर और जो सीधा जा रहा है, और मैंने यहाँ से ना इस शॉप से मैंने सारा सामान ले लिया है, पत्ती खंड बिस्किट शिस्किट सब कुछ ले लिया। अभी मैं वापस जाता हूँ सामान रखने, उसके बाद मैं कुछ खाने पीने का देखता हूँ। एक्चुअली ये बड़े लोग आए हैं अभी यहाँ पे भी यार। अच्छा मैं आपको बता रहा था उस साइड ना लोगों उन्होंने ना खाना बनाया, मेरे को पूछ रहे थे, मैंने कहा नहीं अंकल तो चाय का तो मैंने रात का जुगाड़ रख लिया और उसके बाद देखते हैं बाकी यार खाने का पूछ लेता हूँ उनको। यार अपना हिमाचल देखो कितना बढ़िया है यार, यहाँ पे सारे लोग हैं ना पूछ रहे खाने के लिए यार। अच्छा मेरे को देखो चावल मिल गए, अभी दाल भी दे रहे हैं मेरे को बाकी यार। यहाँ पे देखो जैसे मैंने टेंट लगाया ना तो यहाँ पे भी बना रहे हैं और यहाँ पे भी बना रहे हैं। इन सब ने मेरे से पूछा यार क्या बात है यार, देखा ये हिमाचल। लो जी शुक्रिया जी। यहाँ पे देखो रोटी का भी जुगाड़ हो गया हुआ है और चलो अंदर चल के खाते हैं। तो जी यहाँ पे अपना बढ़िया वाला खाने का भी जुगाड़ हो गया है और यहाँ पे मैंने सारा कुछ भी ले लिया और दूध शुद्ध रात के लिए पूरा ओके है। अब ओके है सब, अब खाना खाते हैं। चलो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा। मुझे फॉलो कीजिए, थैंक यू।